तो हमारे पास आज ये MPG2 का सेटअप बॉक्स है जिसका IC पूरी तरीके से जल गया है, तो इसे हम रिपेयर करेंगे। और तो इसे हम बाहर करते हैं, देखिए इसका IC दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से जल गया है। इसका नंबर भी कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है। इस पावर सप्लाई का ये एक माइक्रो IC है जो 8 पिन का होता है। तो इस IC के जल जाने पर देखा जाता है कि इन चारों डायोडों में से कोई डायोड शॉर्ट हो जाता है, या जो हमारा ये फिल्टर कोइल है ये कट जाता है, या फिर हमारा जो फ्यूज रहता है वो कट जाता है। तो जब ये IC शॉर्ट हो गया है, अभी जल गया है, तो अब हम इन डायोडों पर चेक करेंगे तो हमारा सभी डायोड अभी शॉर्ट दिखाएगा क्योंकि ये IC जल गया है। तो जब भी हम इन डायोडों को चेक करें, अगर IC हमारा जला है, तो सबसे पहले आप IC को बाहर कीजिए, उसके बाद इसे चेक कीजिए। देखिए अभी हम इसे चेक करेंगे तो इन डायोडों पर हमें क्या दिखाता है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर ऑन करते हैं और डायोडों को जो इसका जो एक साइड इसका माइनस है जहाँ पर पट्टी है और जहाँ पर कुछ नहीं उसका प्लस है, तो देखिए मीटर पर रीडिंग आ रहा है। और जब इसे हम पलटते हैं तो देखते इस साइड भी रीडिंग आ रहा है, जबकि हमारे डायोड पर एक ही साइड पर रीडिंग आना चाहिए। अगर दोनों साइड पर रीडिंग आए तो हमारा डायोड ख़राब है। अगर कंटिन्यूटी भी शो हो रहा है, बीप बज रहा है, तो भी हमारा डायोड ख़राब है। तो चलिए पहले हम इस IC को बदलते हैं और फिर हम इसके डायोडों को चेक करेंगे। तो देखिए इस IC को चेंज करने के लिए हमारे पास एक इस प्रकार से डी सोल्डर वायर है। आप चाहें तो इस टूथ ब्रश से भी इसे इसके सोल्डिंगों को डिसोल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अच्छे से रखना पड़ेगा हीट होने तक, और फिर ब्रश से खींचना पड़ेगा। इस प्रकार से भी आप इसे बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं इसके सोल्डिंग को। देखिए हम इसके सहायता से कर रहे हैं, और इससे भी आप बहुत ही आसानी के साथ इस IC को रिमूव कर सकते हैं डी सोल्डर से। बस आपको पेस्टर लगाना है इस पर और इसे गर्म होने देना है। तो देखिए हमारा IC डिसोल्ड हो चुका है, तो इसे हम एक इस प्रकार से पेचकस की मदद से इसे बाहर करेंगे। तो अभी भी इसका 1-2 पिन, तो देखिए ये IC पूरी तरह से जल गया है। तो इस पर हम एक नया IC पावर सप्लाई का हमारे पास है, तो इस IC को हमें लगाएंगे। इस IC को लगाने से पहले इस पर एक संबल बना रहता है कट का, तो जब भी लगाएं तो हमारे पावर सप्लाई के ऊपर तरफ देखिए कट का चिन्ह है, तो इसको भी हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि सभी जगहों पर अच्छे से ब्रश करने से यह क्लीन हो जाएगा और हमारा IC बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे आप आराम से यहाँ पर इसके जैसे सभी को हम बैठा रहे हैं, तो देखिए हमारा IC पूरी तरह से बैठ गया है।
तो अब हम इस पर इसमें रंगा भर देंगे जिससे ये और इस आईसी के लगाने पर भी हमारा अगर सेटअप बॉक्स ऑन नहीं होगा तो हम आगे इसको और चेक करेंगे। तो इसको अच्छे से पहले सोल्डर कर देते हैं इसके ट्रैकों पर। तो देखिए अब हम इसे एक साइड का हमारा अच्छे से सोल्डर हो रहा है और ये दूसरा और ये तीसरा, तो हमारा चारों जो ऊपर और नीचे कर 8 पिन था उस पर हमने अच्छे से सोल्ड कर दिया है। तो अब हमें हमारा आईसी चेंज हो गया है। तो इन फिल्टर कॉइल को हम चेक करेंगे क्योंकि फिल्टर कॉइल हमारा कटा तो नहीं है। अगर कट गया होगा तो हमारा सेटअप बॉक्स ऑन नहीं होगा। तो देखिए फिल्टर कॉइल पर हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है तो हमारा ये कॉइल ठीक है। और हमारे फ्यूज को चेक करते हैं तो देखिए हमारा फ्यूज पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फ्यूज कट गया है। तो आप चाहें तो इसमें एक वायर का जम्पर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास फ्यूज ना हो तो। देखिए आईसी के कट जाने पर यह हमारा फ्यूज भी जल गया है। तो यहाँ पर हम एक नया फ्यूज लगाएंगे। देखिए हमने एक फ्रेश न्यू फ्यूज लगाया है और इसको हम मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बीप आना चाहिए, मीटर पर बीप बज रहा है, मतलब यह हमारा फ्यूज बिल्कुल ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लगाते हैं। अब हमें इन डायोडों को एक बार चेक करना है कि हमारा डायोड शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो हमारा पावर सप्लाई फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इसका जो एक साइड है माइनस और एक साइड प्लस, तो अब इसे हम लगाते हैं। तो देखिए 599 के आसपास रीडिंग आ रहा है। अब इसे हम पलटा कर लगाते हैं तो देखिए अब इसमें रीडिंग नहीं आ रहा है। सभी डायोडों को एक साइड ही रीडिंग हमें आना चाहिए। तो देखिए एक साइड रीडिंग आ रहा है और हम इसे दूसरे पलटा रहे हैं तो रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब हमारा डायोड ठीक है। आईसी के शॉर्ट हो जाने पर हमारा डायोड शॉर्ट दिखा रहा था। तो सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि अब हमारा आईसी बदलने पर ये चल रहा है नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे सबसे पहले सीरीज बोर्ड पर लगाएंगे और देखिए अब इसे हमने चालू कर दिया है। तो देखिए अब हमारा सेटअप बॉक्स अब ऑन हो गया है। तो आईसी के कट जाने पर और फ्यूज के कट जाने पर हमारा सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हो रहा था। तो देखिए अब हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो गया है। तो इस प्रकार से आप भी अपने सेटअप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं।